हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम बताने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर वन का, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर करेंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 50% सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर आप 50% ऑब्जेक्टिव लगा लिए तो आप 250 नंबर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग को बोल देते हैं कि आप लोग के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, इतना अच्छा वीडियो बना रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। सब्सक्राइब करो, अगल बगल में जो है दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है ना, सहेली है, सबको बताओ, दोस्तीनी है, सबको बताओ, ठीक है ना। चैनल के बारे में सब्सक्राइब करवाओ और अपने गाँव में फैला दो इस चैनल को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। श्रम विभाजन हिंदी में चैप्टर वन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और चैप्टर टू बीस का दाद, दोनों पढ़ा चुके हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मेरा एक और चैनल है जगदेव ब्लॉग, जगदेव JAGDEV जगदेव ब्लॉग, इसको भी आप जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा ही चैनल है, मेरा फोटो देख कर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब होता है काम, विभाजन मतलब होता है बंटवारा, यानी काम का बंटवारा जाति प्रथा के अनुसार हुआ है। तो जाति प्रथा यानी जाति के अनुसार काम का बंटवारा कौन लिखा था, भीमराव अम्बेडकर। पूछता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा है क्या, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये निबंध है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, निबंध। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, ये बताना है। तो समाजवादी व्यवस्था में संभव, समाजवादी व्यवस्था में हो गया कि समाज में न तो कोई अमीर है, न तो कोई गरीब है, न तो कोई उच्च है, न तो कोई नीच है, समाज में सब लोग बराबर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा को कहा कि यह सबसे खतरनाक चीज़ है, ठीक है ना, और इसके आधार पर काम का बंटवारा कर देना सबसे घटिया चीज़ है। तो यानी डी नंबर जाति प्रथा को बोला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, यानी ये डी नंबर सही हो जाएगा, एक दलित परिवार में हुआ था, यानी डी नंबर क्या हुआ, सही होगा, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, अभी बोल रहे हैं महू का मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए, महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को, एक दलित परिवार में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो बता दिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारत में बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है, ठीक है, तो छो का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर वही है 7 नंबर, जाति प्रथा हो जाएगा इसका भी आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को इसलिए आवश्यक मानते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, कार्य कुशलता के लिए, यानी सब जो है अपना काल में क्या कुशल हो, यानी इसका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, 8 का ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए। तो जाति प्रथा के अनुसार अगर हम श्रम यानी काम का अगर बंटवारा करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, श्रमिक का भी विभाजन कर देगा, यानी मजदूर का, यानी काम करने वाला का विभाजन कर देगा, यानी उसको जो काम में जिस काम में उसको करने में मन नहीं लग रहा, उसको जाति के आधार पर उसको बलजबरी काम करना पड़ेगा, यानी रुचि के आधार, यानी उसको रुचि नहीं है फिर भी उसको काम करना पड़ेगा, यानी श्रमिक विभाजन होगा, ठीक है, नौका सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा है 10 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब भीम साहब के किस भाषण का संपादित संस है। तो ये हम बताए थे आप लोग को कि ये लिया गया किससे, तो ये लिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जो श्रम विभाजन जाति प्रथा ये जो लिया गया है चैप्टर जो आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर वन, वो किससे लिया गया, तो ये लिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जैसे आप लोग को बोले बताओ कि लंका दहन कहाँ से लिया गया, तो रामायण से लिया गया। उसी प्रकार श्रम विभाजन जाति प्रथा कहाँ से लिया गया, तो ये किताब से लिया गया, इसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो इसका हिंदी अनुवाद किया था ललई सिंह यादव ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और ये क्या है, एक निबंध है, ठीक है ना। मूक नायक क्या है, तो मूक नायक जो है इसमें पत्रिका था, क्या था, मूक नायक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पत्रिका को कहा था, ये पत्र पत्रिका जो होता है। संचारित का अर्थ क्या, संचारित मतलब लगातार बहते रहना, यानी प्रवाहित होते रहना, इसका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन मेरा है कि विडम्बना का क्या अर्थ होता है। विडम्बना मतलब ना होता है कि ये विडम्बना की ही बात है, यानी उपहास का ही बात है, यानी मजाक उड़ाना, यानी बी नंबर हो गया, 14 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रमिक विभाजन है। तो जाति प्रथा जो है जाति के आधार पर हम श्रमिक को विभाजन करेंगे, सर काम को बांटेंगे, तो ये स्वाभाविक नहीं होगा, ये अस्वाभाविक हो जाएगा, यानी उसकी रुचि के अधिकार नहीं के अनुसार नहीं होगा, यानी उसको बलजबरी काम करना पड़ेगा, उसको काम पसंद नहीं है तब भी, यानी ए नंबर अस्वाभाविक हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। तो हम बताए थे कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, यानी इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन को जो आधार है वो पैतृक पेशा है, यानी जो यानी जाति प्रथा का आधार पर हम किसी को बांटेंगे कि तुम यही काम करो, यानी उसका जो पिता का संपत्ति है, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, ठीक है, बड़ी का बेटा बड़ी का काम करेगा, नाई का बेटा नाई का काम करेगा, तो ये पैतृक यानी पिता के अनुसार काम का बंटवारा हो गया, तो अच्छा बात नहीं है, यानी सी नंबर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो हम बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीन व्यक्ति को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे, कबीर थे और एक ज्योतिबा फुले थे, और एक ज्योतिबा फुले हो गए, एक कबीर हो गए, और एक हो गए कौन हो गए, महात्मा बुद्ध। तो यहाँ पर देखो ज्योतिबा फुले दिया हुआ, तो ज्योतिबा फुले सही हो जाएगा, क्योंकि कबीर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध दिया हुआ, तो ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा, अगर वो तीनों रहता तो इनमें से सभी आंसर रहता होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा पर हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो बताए थे कि बड़ौदा के नरेश, यानी बड़ौदा के नरेश मतलब होता राजा, तो बड़ौदा के राजा जो था इसको इसको इसका प्रतिभा को पहचान गया था, इसलिए बड़ौदा के जो नरेश था राजा था इसको पढ़ने के लिए कहाँ भेजा, तो न्यूयॉर्क भेज दिया था। ठीक है ना, यानी उन्हें इसका सी हो जाएगा। फिर कहाँ गया था, लंदन, और वहाँ पर बिलिस्टर का पढ़ाई यानी वकील का पढ़ाई किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डी नंबर सही हो जाएगा। देखो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत सारा पूछता है, जैसे बोले थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखा था। उसी प्रकार बोले तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। हु बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये किसने लिखा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। उसी प्रकार बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, किसने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। उसी प्रकार बोले तो हु आर शुद्राज, किसने लिखा था, भीमराव अंबेडकर लिखा। उसी प्रकार जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, किसने लिखा, तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। ठीक है, तो ये सब कौन किसने लिखा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जितना किताब का नाम बोला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का जी का नाम था रामजी सखपाल, क्या था, रामजी सखपाल, और इसका माता जी का नाम था भीमाबाई, क्या था, भीमाबाई, और इसके पत्नी का नाम था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पत्नी का नाम था रमाबाई, क्या था, रमाबाई। आगे बढ़ते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पांडा का नाम, माता का क्या नाम था, तो इसका माता का नाम भीमाबाई और पत्नी का नाम रमाबाई, तो यहाँ आ जाएगा भीमाबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तेईस क्या बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया। तो बताया था श्रम विभाजन जाति प्रथा जो लिया गया कहाँ से, तो लिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, लेकिन वो इंग्लिश में था, उसको हिंदी अनुवाद किसने किया था, उसको हिंदी अनुवाद किया था ललई सिंह यादव, कौन किया था, ललई सिंह यादव, यानी सी नंबर सही होगा। आधुनिक मनु का किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मनु जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है ना, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। डी मनु का मतलब होता है कानून का ज्ञाता, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कानून का ज्ञाता थे, क्योंकि ये भारत का प्रथम कानून मंत्री बने थे। ठीक है ना, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो सिंपल है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, और ये क्या है, एक निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया था, यानी 26 का सी हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला है, डॉक्टर अमेरिका का जन्म किस राज्य में हुआ। तो बताया था डॉक्टर भीमराव अमेरिका का जन्म कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है ना, तो यानी इसका बी नंबर सही हो जाएगा। पूछेगा कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। एक कहाँ हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था, दलित परिवार का मतलब होता है निम्न जाति में। अगला क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर अमेरिका ने PhD की उपाधि कब धारण किया था, यानी कब उसको प्राप्त किया था। तो ये क्या था, 1916 ईस्वी में, कब क्या था, 1916 ईस्वी में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म। तो द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसने लिखा, तो ये लिखा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द कास्ट इन इंडिया, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, सब लिखा है कौन, भीमराव अंबेडकर। और इसका एक पत्रिका था कौन, बहिष्कृत भारत, वो भी भीमराव अंबेडकर लिखा, इसका हो जाएगा ए नंबर सही। अगला है, पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, यानी किसके आधार पर अगर हम पेशा को बांट दें कि वह यही काम करेगा, तो ये दोषपूर्ण निर्धारण हो जाएगा, अच्छा निर्धारण नहीं होगा, यानी खराब होगा। तो हो जाएगा जाति प्रथा के अनुसार, किसके अनुसार, जाति प्रथा के अनुसार अगर हम किसी को पेशा को सौंप देंगे तो वो एक खराब विभाजन है। ठीक है, तो हो जाएगा बी नंबर सही। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते क्या है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। तो आर्थिक पहलू यानी आर्थिक मतलब जो काम काज, मतलब जो कर रहा है, जो तुम अपना पैसा अपनाया हुआ है, उससे भी जाति प्रथा क्या होता है, खतरनाक होता है। क्या होता है, जाति प्रथा के अनुसार किसी को काम में बांट देना कि तुम्हारा जाति ये है तो तुम यही काम करो, ये क्या है, बहुत खतरनाक है, यानी हानिकारक है। क्या है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो भीमराव अंबेडकर की रचना हम बहुत सारा बताए थे, उसमें बताना है कि इसमें से कौन सा रचना भीमराव अंबेडकर के है। तो उसका है द राइट एंड फॉल ऑफ द
हिंदू विमेन, यानी किसका रचना है, तो यह डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर, किसका रचना है, तो यह है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसका बहुत सारा रचना है, इसे बताया था हम क्या एनिलेशन ऑफ कास्ट, किसका रचना है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। उसी प्रकार बताया था द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म, किसका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, किसका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, किसका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। ठीक है, उसी प्रकार हु आर दे द, तो ये किसका है, तो ये भी हु आर शूद्रा, ये भी किसका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, किसका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। एक पत्रिका बताए थे कि बहिष्कृत भारत, किसका है, तो ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। और द राइट एंड फॉल ऑफ द वूमेन, किसका है, तो ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है, तो श्रम का विभाजन, श्रम यानी काम का बंटवारा आवश्यक मानता है आधुनिक सभ्य समाज। ठीक है ना, अगले बढ़ते हैं, सच्चे लोकतंत्र का पर्याप्त क्या है, सच्चे लोकतंत्र का अर्थ क्या है, ये बताना है। तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का अर्थ है भाईचारा। क्या अर्थ है, भाईचारा, यानी सच्चा लोकतंत्र उसमें है जिसमें सब लोग मिलकर रहता, सभी जाति के लोग मिलजुल कर रहता है, कोई अपने आपको ऊंचा नीचा नहीं मानता है, यानी भाईचारा की दृष्टि से रहता है, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। यानी डॉक्टर साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा कि सच्चा लोकतंत्र इस तरह है कि जहाँ भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा किस तरह होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, से दूध और पानी को मिला देने पर पता चलता है पानी कहाँ है, अच्छी तरह से हर जगह मिल जाता है, उसी प्रकार भाईचारा होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था, बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, कहाँ हुआ था, दिल्ली में थे, यानी इसका ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है मेरा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्या, एक प्रमुख और प्रत्यक्ष, तो प्रमुख भी है और प्रत्यक्ष कारण भी, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो जातिवाद यानी जाति के आधार पर श्रम विभाजन करना किसका दूसरा रूप है, तो जाति प्रथा का, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है डॉक्टर अम्बेडकर का वांग्मय, वांग्मय क्या था, तो वांग्मय जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उपनिषद का जो हिंदी में अनुवाद किया था उसको बोलते हैं वांग्मय। तो वांग्मय को यह हिंदी के कितने खंडों में किया था, तो 21 खंड में किया था, कितना किया था, 21 खंड में, यानी इसका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 39, क्या 39 क्वेश्चन है क्या मेरा कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा से हट कर हो, यानी हिंदू धर्म के अनुसार कहता है कि पेशा वही चुनो जो तुम्हारा पिता का पेशा है, यानी उससे हट कर चुनने का अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका पैतृक पेशा जो नो हो उसको चुनने की अनुमति नहीं देता है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 मेरा है कि डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक अर्थ क्या है, तो बताया था डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक अर्थ बताया था डॉक्टर अम्बेडकर कि भाईचारा इस तरह होना चाहिए जिस तरह दूध में पानी मिला देने पर पानी पता नहीं चलता है कि दूध में कहाँ चल गया, यानी अच्छी तरह से मिल जाता है, उसी प्रकार भाईचारा होना चाहिए भारत में, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह बताए हैं, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, लेखक की दृष्टि में विनम्रता की बात क्या है, तो लेखक की दृष्टि में विनम्रता की बात है कि जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है, यानी भारत में जो जातिवाद के आधार पर काम का बंटवारा है यही क्या है, विनम्रता की बात है, यानी उपहास की बात है, मजाक का बात है, यानी 41 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है, तो भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है, तो यह श्रमिक को जो है उसके रुचि के आधार पर बंटवारा नहीं करता कि उसका क्या काम करने मन है, उसके आधार पर बंटवारा नहीं होता, बल्कि वो उसको पिता के पैतृक, यानी उसका पिता क्या कर रहा है उसके आधार पर उसको बांट देता है काम में, जो उसका वो रुचि हो जाता है, रुचि नहीं होता है, यानी वो स्वाभाविक नहीं होता है, क्या होता है, वो स्वाभाविक होता है, यानी इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 क्या बोल रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है किसी व्यक्ति को अपना पैतृक पेटा से हटकर, यानी उसके अपने रुचि के आधार पर अपने को उसको मतलब काम करने का, यानी काम करने का अधिकार नहीं देता है, उसका रुचि किस चीज़ में है उसको वो काम करने का अधिकार नहीं देता है, जाति प्रथा पर अगर हम उसको बंटवारा करेंगे तो, यानी हो जाएगा या मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, सभी लोग स्वतंत्र हो, यानी कोई भी नहीं कि वो निम्न जाति का तो वो गुलामी बन के रहेगा, ऐसा नहीं है, सभी लोग क्या स्वतंत्र हो और क्या हो, समता हो, यानी सब चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो निम्न जाति को चाहे उच्च जाति को, सब लोग क्या समता, यानी समान हो, यानी को उच्च न तो नीच हो, और सब में भ्रातृत्व का गुण हो, यानी भाईचारा का गुण हो, यानी मिलजुल कर रहा है किस तरह, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, इसका ये नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का,
जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो जाति प्रथा जो है मनुष्य के पेशे को कैसे प्रभावित करती है, तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए, यानी जाति के आधार पर अगर हम किसी को कहेंगे कि तुम ये काम करो तो उसके जीवन भर के लिए वही काम में लगा देगा। यानी कि लोहार है तो लोहारे काम उस करेगा, बढ़ई तो बढ़ई काम करेगा, धोबी है तो धोबी का काम करेगा, नाई है तो नाई का काम करेगा, पर ब्राह्मण है तो वो हमेशा पूजा ही कराते रहेगा। यानी उसको और जो उसका रुचि है कोई और काम करने में तो उसको वो अधिकार नहीं देगा। यानी जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देता, चाहे वो पैसा उसके लिए लाभदायक क्यों ना हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो मनुष्य की पैसा में बांध देता है। 45 का 20 सही होगा। कल हम लेकर आएंगे, आप लोग को पढ़ा दिए हैं कि आप 20 का दांत पढ़ा दिए हैं, जिसको लिखा है नलिन विरोचन शर्मा, जो है क्या है कहानी है, तो कल हम लेकर आएंगे उसी का ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन, जो काफ़ी अच्छा कहानी है, काफ़ी मतलब मज़ेदार कहानी है 20 का दांत, तो उसका लेते आएंगे। और ऑब्जेक्टिव आप लोग काफ़ी लगाएं, ठीक है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल लेते आएंगे आप लोग को 20 का दांत, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे हम क्या भारत से हम क्या सीखें, जिसको लिखे थे कौन, तो लिखे थे मैक्स मूरल, ठीक है ना, उसको पढ़ाएंगे फिर उसका भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।